हेलो दोस्तों, अरंगा रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित सीईटी 10+2 भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 13 मॉडल पेपर है वो कम्प्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 14 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 13 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, सीईटी 10+2 मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 14 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, पहला प्रश्न है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है। दोस्तों, प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान है वो दोस्तों कितना है, तो वो है 45.07%। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ऐसा ही पेपर आएगा, आप अपनी तैयारी का आकलन है वो कर सकते हैं कि आपके 35 या 40% आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए, सूची फर्स्ट में जिले हैं और सूची सेकंड में जिले हैं। बताइए दोस्तों, यहाँ पर नवलखा झील कहाँ है? दोस्तों, ये बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में। ताल छापर कहाँ है? तो दोस्तों, ताल छापर झील है वो चूरू में है। कहाँ है? चूरू में। तालाब शाही कहाँ है? तो दोस्तों, ये धौलपुर में है। और पचपदरा कहाँ है? तो दोस्तों, ये बाड़मेर में है। यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2413। 2413 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? बताइए, किन जिलों में स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बाड़मेर, जालौर और जोधपुर में स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में कौन सी रियासत से संबंधित है? सभी को बता होगा दोस्तों, ये जयपुर रियासत से संबंधित है झाड़शाही सिक्का। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मेजा बांध कौन सी नदी पर स्थित है? दोस्तों, ये भी सभी को पता होगा, कोठारी नदी पर स्थित है दोस्तों ये मेजा बांध, भीलवाड़ा में। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न है, देखिए, बीकानेर राज्य में वसूल किया जाने वाला सीमा शुल्क जिसे जोधपुर तथा जयपुर राज्यों में सायर के नाम से वसूला जाता था, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बीकानेर राज्य में वसूल किया जाने वाला सीमा शुल्क जिसे जोधपुर और जयपुर राज्यों में सायर के नाम से वसूला जाता था, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते थे जकात कर। क्या बोलते थे? जकात सीमा शुल्क। ठीक है, यहाँ पर अपना 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जकात बोलते थे बीकानेर में। आगे देखिए, सवाई जयसिंह ने किस ज्योतिष ग्रंथ की रचना की? कौन से ज्योतिष ग्रंथ की रचना की सवाई जयसिंह ने? राइट आंसर हो जाएगा वो है जयसिंह कारिका। जयसिंह कारिका की रचना की थी। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि झालावाड़ जिला में सर्वाधिक 40 दिनों तक वर्षा होती है। ठीक है, यानी कि अपना 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, देखिए, वापस सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में सीमेंट उद्योग है और सूची सेकंड में स्थान है। दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं, ये जो जेके सीमेंट उद्योग है ये दोस्तों कहाँ है? तो दोस्तों, ये निम्बाहेड़ा में है। कहाँ पर है? निम्बाहेड़ा में। और बिरला सीमेंट है, तो दोस्तों बिरला सीमेंट है वो चित्तौड़गढ़ में है। बिनानी सीमेंट है, बिनानी सीमेंट दोस्तों पिंडवाड़ा में है। और नीर श्री सीमेंट है वो मोडक में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4321। 4321 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने की कोशिश करना है, और कोई ज्यादा ही प्रश्न है वो आपको नया लग रहा है तो दोस्तों आप शॉर्टकट में एक पेन और कॉपी लेके बैठिए साथ में, जो शॉर्टकट में उसको लिख लीजिए, ठीक है, ताकि रिविजन करने में आसानी हो। 10 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान निवासी वह प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिसे देश के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, बताइए। राजस्थान निवासी वह प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिसे देश के 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो किसको लटकाया था? तो दोस्तों, अमरचंद बाठिया को लटकाया था। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान के भगत सिंह कहलाते हैं दोस्तों। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? बताइए, रेंगती मृत्यु। दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों मृदा अपरदन। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जब मिट्टी, वायु, जल या हिमानी से दोस्तों जैसे बरसात से भी दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, ठीक है, तो उसे मृदा का अपरदन कहते हैं, ठीक है, और उसे बोलते हैं दोस्तों रेंगती मृत्यु, ठीक है, रेंगती मृत्यु मृदा अपरदन को कहते हैं। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है साहब। देखिए सूची फर्स्ट में फसल है और सूची सेकंड में प्रमुख उत्पादक है। दोस्तों देखिए गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन यानी कि प्रमुख उत्पादक है जिला है तो वो कौन सा है? दोस्तों वो है गंगानगर, ठीक है। बाजरा का, दोस्तों बाजरा का है अलवर। और चावल का सर्वाधिक उत्पादक जिला है वो है दोस्तों बूंदी। और मक्का का है दोस्तों सर्वाधिक उत्पादक है भीलवाड़ा, ठीक है, सभी को पता होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3142। 3142 कौन से ऑप्शन में है? यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, अरावली पर्वत माला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? बताइए अरावली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। दोस्तों देखिए इसका निर्माण क्रेम्बियन युग में हुआ था, गलत हो जाएगा। दोस्तों प्री और लगाना है इसके साथ में, प्री क्रेम्बियन युग में हुआ था अरावली का निर्माण, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, बिल्कुल सही बात है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, गलत हो जाएगा, आग्नेय नहीं। दोस्तों अरावली मुख्यतः संगमरमर, नीस वह शिष्ट चट्टानों से निर्मित है, तो ये अपना तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, इसमें यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक तो पहला सॉरी एक तो तीसरा सही सॉरी एक तो दूसरा सही है और एक चौथा सही है, ठीक है, बाकी एक और तीन तो इसमें गलत दे रखे हैं। तो दूसरा और चौथा कौन से ऑप्शन में? 3 नंबर के ऑप्शन में है, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन है नीचे दिए गए कूट से कीजिए। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद के मध्य स्थित है, गलत हो जाएगा। दोस्तों बोराट का पठार है वो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है, यहाँ पे राजसमंद है वो गलत दे रखा है। आगे देखिए, उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, बिल्कुल बात सही बात है। दोस्तों आगे देखिए, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और तीसरा कथन है वो इसमें सही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है, 2 और 3 सही है। आगे देखिए, 15 नंबर का प्रश्न, जयपुर में सर्वप्रथम जन चेतना का सूत्रपात किसने किया? जन चेतना का सूत्रपात किसने किया? तो दोस्तों वो किया अर्जुन लाल सेठी ने, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अर्जुन लाल सेठी ने। 16 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थलों को मिलान कीजिए। दोस्तों राजस्थान के प्रमुख खनिज संसाधन और उनके उत्पादक स्थान है वो दे रखे हैं। दोस्तों देखिए टंगस्टन का जो उत्पादन है वो दोस्तों कहाँ होता है? डेगाना में, आप सभी को पता है। मैग्नीज का उत्पादन लीलवाणी में होता है और तांबा का उत्पादन दोस्तों खेतड़ी सिंगाना में होता है और सीसा जस्ता का होता है दोस्तों जावरमाला में, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 2, 1, 4, 3 कौन से 4 नंबर के ऑप्शन में है, यहाँ पर ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 17 नंबर का प्रश्न है। देखिए सूची फर्स्ट में खनिज दे रखा है और सूची सेकंड में खनन दे रखा है, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पे लोहा अयस्क, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि दिए गए खनिजों एवं उनके खनन क्षेत्रों में से त्रुटिपूर्ण गलत युग्म की पहचान कीजिए। त्रुटिपूर्ण गलत युग्म की अपने को क्या करना है? पहचान करना है। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ खनन क्षेत्र है, एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ है, खनन क्षेत्र है। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए, इसमें लोहा अयस्क, दोस्तों लोहा अयस्क का खनन क्षेत्र कौन सा है? तो वो है नाथरा की पाल, बिल्कुल सही है। तांबा का जो खनन क्षेत्र है वो खेतड़ी सिंगाणा है, दोस्तों बिल्कुल सही है। जस्ता का है दोस्तों जावर, सीसा एवं जस्ता की खान है वो कहाँ है? तो दोस्तों जावर में है, बिल्कुल सही है। टंगस्टन जामर कोटड़ा, जामर कोटड़ा में तो दोस्तों रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है, ठीक है,
तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। टंगस्टन का उत्पादन तो डेगाना में होता है, तो यहाँ पर अपना 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये गलत दे रखा है, त्रुटिपूर्ण युग्म है। 18 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में पहाड़ियां है और सूची सेकंड में पर्वतमाला है, अपने को बताना है दोस्तों कौन सी पहाड़ियां कौन से पर्वतमाला में है। ठीक है, आप सभी को पता है कि अरावली को 3 हिस्सों में बांटा गया है, उत्तर, दक्षिण और मध्य अरावली। ठीक है दोस्तों, देखिए मालखेत की पहाड़ियां कौन सी अरावली में स्थित है, तो दोस्तों ये उत्तरी अरावली में स्थित है दोस्तों, ये मालखेत की पहाड़ियां। नाग पहाड़ है ये दोस्तों कौन सी अरावली में है, तो दोस्तों नागपाड़ है ये दोस्तों, देखिए इसमें ये नागपाड़ है ये दक्षिण अरावली में है। ठीक है नागपाड़, देखिए नागपाड़ इसको काट दीजिए दोस्तों। ठीक है यहाँ पर है, आप देख सकते हैं इसके अंदर नागपाड़ है वो 2 बार आ गया। ठीक है तो ये थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गई, तो यहाँ पर है दोस्तों इसमें देखिए जो ये नागपाड़ है ये मध्य अरावली में है और बिलाली है ये दोस्तों दक्षिण अरावली में है। ठीक है तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3-2-1, 3-2-1 इसका राइट आंसर कर लेना आप। ठीक है आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है, बताइए कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन से, तो वो है कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट में अभयारण्य दे रखे हैं या राष्ट्रीय उद्यान उद्यान दे रखे हैं और सूची सेकंड में अवस्थिति दे रखी है, दोस्तों बताना है कि कौन सा अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। देखिए सीता माता अभयारण्य कहाँ है, तो दोस्तों आप सभी को पता है प्रतापगढ़ में है। सरिस्का कहाँ है, तो दोस्तों सरिस्का अलवर में है। केला देवी कहाँ है, तो दोस्तों ये करौली में है। और केवला देव वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो दोस्तों ये भरतपुर में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3-1-4-2, 3-1-4-2 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर का ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है कूट पास हमें दोस्तों अपने को उत्तर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक तरफ है दोस्तों ये अभयारण्य दे रखे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो रामगढ़ विषधारी है वो दोस्तों कहाँ है, रामगढ़ विषधारी तो ये बूंदी में है दोस्तों, कहाँ पर है, बूंदी में। और यहाँ पर देखिए जवार सागर, जवार सागर कहाँ है, तो दोस्तों ये कोटा में है, कहाँ है कोटा में। ताल छापर कहाँ है, तो दोस्तों ये चूरू में है। और वन विहार कहाँ है, तो ये धौलपुर में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3-4-1-2, 3-4-1-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्वप्रमुख कारण है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सर्वप्रमुख कारण है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों अनियंत्रित पशुचारण, ये है दोस्तों सर्वप्रमुख कारण। ठीक है यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता दर है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में सर्वाधिक और न्यूनतम महिला साक्षरता दर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो है कोटा जालोर। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोटा जालोर। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की ग्रामीण साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक रहा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की ग्रामीण साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक रहा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें झुंझुनू में। ठीक है यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, झुंझुनू में। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया, 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में, राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जुलाई माह की 999 मिली बार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है, बताइए दोस्तों जुलाई माह की 999 मिली बार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है, तो दोस्तों ये गुजरती है
जालौर, पाली और अजमेर से, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ स्थान है, अपने को दोस्तों मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर सिद्धमुख परियोजना, दोस्तों सिद्धमुख परियोजना है ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है हनुमानगढ़ और चूरू, चूरू में है दोस्तों ये सिद्धमुख परियोजना। ठीक है, यानी कि ये 2 जिले लाभान्वित होते हैं। और नर्मदा परियोजना से दोस्तों जालौर और बाड़मेर लाभान्वित होते हैं। ठीक है, और जवाई परियोजना से दोस्तों पाली और जाखम परियोजना का है, तो दोस्तों ये प्रतापगढ़ में है। तो यहाँ पर 4, 1, 2, 3 अपना इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, यानी कि 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में उद्योग है और सूची सेकंड में अवस्थिति है। सूची फर्स्ट में उद्योग है और सूची सेकंड में अवस्थिति है। यहाँ पर देखिए नेशनल इंजीनियरिंग उद्योग, नेशनल इंजीनियरिंग उद्योग दोस्तों कहाँ है ये, तो दोस्तों ये उद्योग है ये देखिए ये जयपुर में है, जिसको अपन एनबीसी बोलते हैं। ठीक है, नेशनल, सॉरी वो एनबीसी तो दूसरा है, नेशनल इंजीनियरिंग उद्योग है तो वो कौन सा है, तो वो जयपुर में है। ठीक है, और वटेड स्पिनिंग उद्योग है वो दोस्तों कहाँ है, तो ये लाडनू में है। कहाँ पर है, लाडनू में। श्री राम सीमेंट है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों ये कोटा में है। और मॉडर्न थ्रेड्स ये दोस्तों रायला भीलवाड़ा में है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है, वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरु गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ पशुधन है दूसरी तरफ नस्ल है, एक तरफ पशुधन है दूसरी तरफ नस्ल है, सुमेलित कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे ऊंट की नस्ल है वो नाचना है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे गोवंश की नस्ल मेवाती है, ये भी बिल्कुल सही है। बकरियों की नस्ल है दोस्तों बारबरी है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भेड़ की नस्ल है, यहाँ पे लोही है वो गलत दे रखा है, लोही है वो क्या है, तो दोस्तों ये बकरी की नस्ल है, क्या है, नकरी बकरी की क्या है, ये नस्ल है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए गोडवाड़ी क्या है, दोस्तों गोडवाड़ी क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोटवाड़ी, दोस्तों एक मारवाड़ी की उपबोली है ये। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान के कौन से स्थान पर है, सही उत्तर हो जाएगा वो है अविकानगर टोंक में, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गागरोन पर तब 1423 में अल्प खां गोरी ने आक्रमण किया था, तब वहां के शासक कौन थे, कल बताया था मैंने आपको दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अचल दास खींची। यहाँ पर है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, साका हुआ था दोस्तों ये गागरोन का पहला। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, और इनका अल्प खां जो गोरी है इनका जो दूसरा नाम है वो यानी कि उर्फ जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, तो अल्प खां गोरी उर्फ हुसंग सा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घास है राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती, देखिए सेवन, धामन, करड़, ये तीनों घास है ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन लाणा नहीं पाई जाती। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे सेवन घास का वानस्पतिक नाम है, तो दोस्तों सेवन घास का वानस्पतिक नाम हो जाएगा वो है बताइए, तो दोस्तों लस्यूरुस सिंडिकुस ये सेवन घास का वानस्पतिक नाम है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर प्रतिशत राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में पाई गई,
जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में पाई गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये अलवर जिले में पाई गई। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि शहरी दशकीय परिवर्तन दर, तो अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे दशकीय वृद्धि दर है वो सर्वाधिक बाड़मेर में पाई गई है दोस्तों, 32.5%। ठीक है, तो यहाँ पर दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। बताइए, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा, तो दोस्तों वो है इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो यहाँ पर दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति किस वर्ष घोषित की गई? राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति किस वर्ष में घोषित की गई? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2019 में। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 2019 में। आगे देखिए, राजस्थान रिफाइनरी पचपदरा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान रिफाइनरी पचपदरा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे यह HPCL और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है, बिल्कुल सही है। इसमें HPCL का हिस्सा 80% तथा राजस्थान का हिस्सा 20% है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें राजस्थान का हिस्सा तो है 26% है और HPCL का है दोस्तों 74%। ठीक है, तो यहाँ पर अपना दो नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये कथन है वो दोस्तों सही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, इसकी परियोजना की लागत 43,129 करोड़ है, बिल्कुल सही है। यह देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट्स की संख्या है? राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किट की संख्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 9। ठीक है, राजस्थान में 9 पर्यटन सर्किट है, जैसे कि ब्रज मेवात सर्किट, डूंडान सर्किट, हाड़ौती सर्किट, शेखावाटी सर्किट, डेजर्ट सर्किट, मेवाड़ सर्किट, ऐसे करके टोटल 9 सर्किट है दोस्तों। ठीक है, दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है? राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है, तो वो है दोस्तों इसमें 826 और 869 किलोमीटर, 826 और 869 किलोमीटर, दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? बताइए, ढांड के नाम से, ढांड नाम से कौन जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मरुस्थल में जो पलाया जिले हैं उसको दोस्तों ढांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, बरखान स्थलाकृतियां निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, जो ये जो ढांड है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये ढांड ढांड होता क्या है? तो ये दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवणीय झीलों को ढांड कहा जाता है। ठीक है, लवणीय झीलों को ये ढांड कहा जाता है, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बरखान स्थलाकृतियां निम्न में से किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है मरुस्थलीय प्रदेश से, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बागड़ी भाषा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बागड़ी भाषा। आगे देखिए, रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? रियासतों से संबंधित समस्याओं के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 5 जुलाई 1947 को। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 5 जुलाई 1947 को।
आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कौन से मेले को कहा जाता है? तो बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए तंग मोरखा गोरबंद व पिलान है, तंग है, मोरखा गोरबंद व पिलान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऊंट के सजावट की वस्तुएं, ऊंट के सजावट की वस्तुएं, यहां पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? बताइए कौन सा ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वालर, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वालर नृत्य। नेक्स्ट आगे देखिए, पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं, लेखक थे, पृथ्वीराज विजय के लेखक थे तो वो कौन थे? तो दोस्तों वो थे जयानक, यहाँ पर अपना 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जयानक। आगे देखिए यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, मेनाल में सुहैवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? मेनाल में सुहैवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो फटाफट जाके और लाइक का बटन दबा के आए, और जिस किसी ने भी अरत्यारे सेकंड में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास निरंतर पहुंचता रहे। 1 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? दोस्तों गणेश्वर वर्तमान में दोस्तों नीम का थाना जिला, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नीम का थाना नहीं दे रखा तो दोस्तों आपको शिक्र करना है, ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेबारी जाति के लोग पूजते हैं? रेबारी जाति के लोग दोस्तों बाबूजी को पूछते हैं, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, बोराट का पठार स्थित है, तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है ये, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने से अधिक नहीं होगी? तो जैसे कि दोस्तों राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं तो इसका 1/3 कर लीजिए, ठीक है, 1/3 से ज्यादा सदस्य संख्या है वो नहीं होगी, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर, यानी कि 66 से ज्यादा नहीं होगी। आगे देखिए, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष का होता है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 57 नंबर प्रश्न है, राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री है तो कौन है? तो दोस्तों वसुंधरा राजे, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, कलेक्टर को विकास कार्यों व प्रोटोकॉल कार्यों से मुक्त किया जाए, यह किस आयोग ने सिफारिश की थी? तो दोस्तों ये प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये सिफारिश की थी, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 59 नंबर का प्रश्न है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1978 से 1979 में, दोस्तों ये समन्वित विकास कार्यक्रम है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसने कलेक्टर के पद को शक्तिशाली बनाने का महत्व दिया? निम्नलिखित में से किसने कलेक्टर के पद को शक्तिशाली बनाने का महत्व दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1770 में क्लाइव ने और 1793 में कार्नवालिस ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपयुक्त है 1 और 2 दोनों, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध है? संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 29 विषय, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 29 विषय। आगे देखिए, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ी के पेड़ के नीचे, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कच्ची घोड़ी नृत्य, यहाँ पर अपना 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है? दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी?
हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बागड़ी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है दोस्तों, ये बागड़ी बोली। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोक देवी जैन माता मंदिर स्थित है, लोक देवी जैन माता मंदिर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सीकर में स्थित है दोस्तों, ये जैन माता का मंदिर रेवासा सीकर में। आगे देखिए, वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है, ये आयोजित होता है दोस्तों परबत्सर में। 3 नंबर ऑप्शन सही, परबत्सर में। नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों ये है 10.45%, 10.45%। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है? बताइए, वह कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है? तो वो नदी कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो नदी है पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पर जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, समांगी मिश्रण को कहा जाता है, समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? दोस्तों विलयन कहा जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विलयन। आगे देखिए, जीन है तो दोस्तों जीन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन है तो दोस्तों ये डीएनए का एक भाग है दोस्तों ये, ठीक है, जीन डीएनए का एक भाग। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है काला, ठीक है, आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 75 नंबर का प्रश्न है, पेनिसिलिन नामक औषधि किस जीवाणु से संश्लेषित की जाती है? पेनिसिलिन नामक औषधि किस जीवाणु से संश्लेषित की जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें फफूंद। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, फफूंद। आगे देखिए, निम्न में से कौन ऊर्जा खनिज है? निम्न में से कौन ऊर्जा खनिज है? तो दोस्तों कोयला, कोयला है वो दोस्तों ऊर्जा खनिज है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को कर देते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को कर देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल कर देते हैं। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लाल कर देते हैं। आगे देखिए, निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में दोस्तों न्यूट्रॉन नहीं होता। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 79 नंबर का प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा है? तो दोस्तों यह है श्वेत, यानी कि सफेद है वो सिल्वर क्लोराइड का रंग है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आगे देखिए, थर्मोप्लास्टिक है दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक है तो ये पॉलीथीन है दोस्तों थर्मोप्लास्टिक, राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? तो दोस्तों ये नैनोमीटर में मापा जाता है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, नैनोमीटर में। नेक्स्ट, आगे देखिए, निम्न में से चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों वो है कोबाल्ट है, कोबाल्ट है ये दोस्तों चुंबकीय पदार्थ है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 83 नंबर का प्रश्न है, जल परिवहन तंत्र किसकी पहचान है? जल परिवहन तंत्र किसकी पहचान है? तो दोस्तों ये पहचान है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा की पहचान है दोस्तों ये, ठीक है, जल परिवहन तंत्र। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 84 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, इनमें से किस पौधे के बीज, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? इनमें से किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जिम्नोस्पर्म। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। आगे देखिए, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो बताइए कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोयला, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोयला। आगे देखिए, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो दोस्तों 18 वर्ग होते हैं आवर्त सारणी में। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पीतल है दोस्तों, पीतल क्या है?
मिश्र धातु है। 4 नंबर ऑप्शन सही मिश्र धातु है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हैजा, हैजा है ये जीवाणु जनित रोग है, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से फैलता है, वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा रोग है ये, वायरस से फैलता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, बताइए? तो वो है दोस्तों प्रतिजैविक। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रतिजैविक। अब देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, वो अपने प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए, भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर कौन सा है? तो वो है मोजिला। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, एक वैश्विक पता एड्रेस है जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों किससे पता लगेगा? तो दोस्तों बताइए, तो वो यूआरएल से पता लगेगा। ठीक है, यूआरएल से पता लगेगा कि उसमें क्या है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 93 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वो है दोस्तों डिवाइस ड्राइवर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 94 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया? भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ कौन से वर्ष में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1991 में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1991 में। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो वो है दोस्तों क्रोम, क्रोम है ये दोस्तों सर्च इंजन नहीं है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 96 नंबर का प्रश्न है, क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 2010 मेन्यू या टैब में मौजूद है, क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 2010 में, 2010 मेन्यू टैब में मौजूद है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें इंसर्ट है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंसर्ट। आगे देखिए, सुपर कंप्यूटरिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है सेमुर को, सेमुर क्रे को। ठीक है, सेमुर क्रे को सुपर कंप्यूटरिंग के पिता के रूप में जाना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, कंप्यूटर जगत में QWERT यानी कि क्वेरटी किसका प्रकार है? तो दोस्तों ये प्रकार है किसका? तो ये कीबोर्ड का प्रकार है दोस्तों ये। ठीक है, यहाँ पर है 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, ईमेल का तात्पर्य है, तो दोस्तों ईमेल का तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे देखिए, 100 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, किसको एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों वो है डायनामिक रैम को एक निश्चित समय के अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द में, देखिए हिंदी व्याकरण से प्रश्न अपने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों कौन से शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें निदान में हुआ है, निषेध में हुआ है, नीर में दोस्तों नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, इनमें से किस शब्द में अप्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, अप्रत्यय किस में प्रयुक्त हुआ है? दोस्तों देखिए यहाँ पे वासुदेव, ठीक है, वासुदेव में दोस्तों अप्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, वह वो आता हो जाएगा और इसमें अलग हो जाएगा, तो इसमें अप्रत्यय। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें अव्ययीभाव समास कौन सा है, बताइए अव्ययीभाव समास कौन सा है? तो सभी को पता है, यहाँ पर पता चल गया होगा, यथाशक्ति है वो अव्ययीभाव समास है, तो इसका समास विग्रह क्या होगा दोस्तों? शक्ति के अनुसार। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द तो दे ही नहीं रखा, ठीक है। तो आप मान लीजिए दोस्तों इसमें दया है, वो क्या है? रेखांकित शब्द है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें ये संज्ञा है, ठीक है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? तो दोस्तों रोगी, रोगी शब्द है वो दोस्तों इसमें विशेषण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ज्ञानी, पापी और भूख, ये दोनों तीनों शब्द है वो विशेषण शब्द है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है? इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है? तो दोस्तों देखिए, अचित का अनुचित हो जाएगा, सॉरी उचित का अनुचित हो जाएगा, अपकार का उपकार हो जाएगा, आरोह का अवरोह हो जाएगा, विज्ञेय का दोस्तों क्या हो जाएगा? अविज्ञेय। क्या हो जाएगा? अविज्ञेय। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस क्रम में सेना का पर्याय है? किस क्रम में सेना का पर्याय है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, चमू, चमू में दोस्तों सेना का पर्यायवाची है ये, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, एक है आदि जिसमें छोटी मात्रा लगी हुई है, एक है आदि जिसमें बड़ी मात्रा लगी हुई है, शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही अर्थ हो जाएगा, वो है आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और इस आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो दोस्तों पृष्ठभूमि में ये शब्द है वो अशुद्ध है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 110 नंबर का प्रश्न है, काठ की आंडी दोबारा नहीं चढ़ती लोकोक्ति का भावार्थ है। काठ की आंडी दोबारा नहीं चढ़ती लोकोक्ति का भावार्थ है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों, कपट व्यवहार बहुत दिनों तक सफल नहीं होता, कपट व्यवहार बहुत दिनों तक सफल नहीं होता। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए, वह दौड़ रही है, वह दौड़ रही है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन? तो वो हो जाएगा, सी इज रनिंग। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज रनिंग। 112 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किसमें अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द गलत है? किसमें अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, यहाँ पर देखिए, एग्रीगेट। दोस्तों एग्रीगेट यहाँ पे औसत दे रखा है, ठीक है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। एग्रीगेट का मतलब होता है दोस्तों, बताइए क्या होता है एग्रीगेट का मतलब? तो दोस्तों ये होता है सकल। क्या होता है? सकल होता है। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, सुपरसेड का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? तो दोस्तों इसका हिंदी परिभाषिक शब्द हो जाएगा, वो है अधिक्रमण करना, अधिक्रमण करना। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, चूज वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। वन वर्ड बताना है दोस्तों, बता सकते हैं आप आसानी से? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, समवन हु डज नॉट लाइक टू वर्क, यानी कि एक वो जो काम नहीं करना चाहता, यानी कि काम को करना ही पसंद नहीं करता, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों आलसी। आलसी का मतलब लेजी। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट फाइंड प्लेस इन एन ऑफिशियल लेटर। तो दोस्तों ऑफिशियल लेटर के अंदर दोस्तों यहाँ पे फाइंड प्लेस इन एन ऑफिशियल लेटर, ठीक है, नोट फाइंड, तो दोस्तों उसको बोलते हैं वर्बोसिटी। वर्बोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 116 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। इसमें देखिए, द रेडियो सिंस 7 AM आई विश समवन वुड टर्न इट ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, हैज बिन प्लेइंग, हैज बिन प्लेइंग। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, द मैनेजर अपोलोजी पब्लिकली फॉर हिज एक्शंस। द मैनेजर अपोलोजी पब्लिकली फॉर हिज एक्शंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, अपोलोजाइज। तो यहाँ पर अपना इसमें
राइट आंसर क्या हो जाएगा? अः 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 118 नंबर का प्रश्न है, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क पैसिव, स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क पैसिव, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सुमन द फायर ब्रिगेड, सुमन द फायर ब्रिगेड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लेट द फायर ब्रिगेड बी सुमोन्ड, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि इस फायर ब्रिगेड को जल्दी बुलाओ, ठीक है 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 120 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिवन करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यहां पर देखिए ही दोस्तों ही शाउटेड लेट मी गो, ही शाउटेड लेट मी गो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो, तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 121 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किड्स सेड ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, बताइए दोस्तों किड्स सेड ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है किड्स सेड दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है तो अपने को ये इनडायरेक्ट बनाना था तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए पैसे से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है तो आप पैसे पढ़ोगे तो ये ऑटोमेटिक आपके पास में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें 122 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों द दक्षुंड यूज्ड टू, तो दोस्तों यूज्ड टू, तो यहां पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, तो वो हो जाएगा हंट वेडगर्स, ठीक है हंटर हंट वेडगर्स, तो यहां पर अपना 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए द नेशनल डॉग ऑफ जर्मनी इज, द नेशनल डॉग ऑफ जर्मनी इज, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है द दक्षुंड, तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए द वर्ड ऑफ ब्रीड मींस, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है ए क्लास ऑफ एनिमल, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए द डोबरमैन इज सेलेक्टेड, द डोबरमैन इज सेलेक्टेड, तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों फॉर सिक्योरिटी और पुलिस वर्क, तो यहाँ पर अपना 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, डोबरमैन डोबरमैन है कुत्ते का नाम है, ठीक है। आगे देखिए अब अपने प्रश्न है वो दोस्तों मैथ्स से संबंधित और रीजनिंग से संबंधित, आगे आपको ये प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है 126 से 150 तक। देखिए 20 छात्रों की एक कक्षा में गणित की परीक्षा में 2 छात्रों ने 100 अंक प्राप्त किए, 2 छात्रों ने 100 अंक प्राप्त किए, 3 छात्रों को 0 अंक मिले, शेष छात्रों के अंकों का औसत 40 है, पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या है, बताइए दोस्तों कक्षा का औसत प्राप्तांक है वो अपने को ज्ञात करना है। देखिए 2 छात्रों ने कितना 100 अंक प्राप्त किए, तो दोस्तों 100 प्लस 3 छात्रों ने 0 अंक प्राप्त किए, ठीक है और यहाँ पे देखिए 20 छात्रों की एक कक्षा में 2 छात्रों ने तो 100 अंक और 3 छात्रों ने 0, यानी कि 5 छात्र हो गए, ठीक है और पीछे बचे कितने, तो दोस्तों 20 में से 5 गए तो कितने बचे 15, ठीक है तो यहाँ पे प्लस 15 इंटू 15 छात्रों का औसत है वो कितना है 40 है, तो ये 40 कर लीजिए बस, बटे कुल संख्या कितनी है 20, ठीक है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 15 इंटू 40 कर लीजिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 इंटू 40 करोगे तो कितना 600 हो जाएगा, 600 प्लस 100 कितना हो जाएगा 700, 700 में 20 का भाग दे दीजिए दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, 700 में 20 का भाग दोगे तो देखिए 700
बटे 20, तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 70 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 35, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 127 नंबर प्रश्न है, एक वॉशिंग मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी, आज इसका मूल्य 5700 रुपए है, यदि प्रतिवर्ष ह्रास की दर 5% मान ली गई, यानी कि मान ली जाए, तो बताओ 3 वर्ष पूर्व वॉशिंग मशीन कितने रुपए में खरीदी गई थी। दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे 5700 इंटू भाई 5% का ह्रास आप प्रतिवर्ष मान रहे हो, ठीक है, यानी कि नुकसान मान रहे हो, ठीक है, मशीन खराब भी होते हैं, 5% वैल्यू भी कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 100/95 इंटू 100/95 इंटू 100/95, ठीक है, बस इसको आप काट लीजिए। देखिए ये 19 से कटा, ये सॉरी 5 से 19 बार कटा, ये 20 बार कटा, ये 19 बार कटा, ये 20 बार कटा, ये 19 बार कटा, ये 20 बार कटा, ठीक है, ऐसे ऐसे काट लेना। फिर देखिए 19 57, ये 300 आ गया, ठीक है, आप ऐसे काटोगे तो इसका राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा, वो है 6648.20 रुपए, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 128 नंबर का प्रश्न है, राम ने 500 खिलौने 1 रुपए 50 पैसे प्रति खिलौने की दर से खरीदे, राम ने 500 खिलौने 1 रुपए 50 पैसे प्रति खिलौने की दर से खरीदे, उनमें से 50 खिलौने टूट गए, शेष को उसने 1 रुपए 60 पैसे के प्रति नग के हिसाब से बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, बताइए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, 500 खिलौनों का जो क्रय मूल्य है वो ज्ञात करना है यहाँ पे। तो देखिए भाई 500 × 1 रुपए 50 पैसे करोगे तो कितना आ जाएगा, 750 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 500 खिलौने हैं वो 750 रुपये में खरीद लिए उसने, ठीक है, अब उनमें से 50 खिलौने टूट गए, तो दोस्तों अब उनमें से 50 खिलौने है वो टूट गए, तो 50 का हिसाब से दोस्तों वह 1.5 रुपए का एक खिलौना है, तो 50 के कितने हो गए, 75 रुपए, ठीक है, 75 रुपए का नुकसान हो गया। शेष को उसने 1 रुपए 60 पैसे के हिसाब से प्रति नग के हिसाब से बेच दिया, अब देखिए 500 खिलौने में से 75 टूट गए, तो अपने पास बचे कितने दोस्तों, 425 बचे। अब 425 × 1.60 कर लीजिए, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पे ये 720 आ जाएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 750 रुपये में तो अपन ने शुरू में 500 खिलौने खरीदे थे, अब दोस्तों 50 टूटने के बाद में ये अपन ने 10 पैसे ज्यादा में भी बेच रहे हैं, तो सात तो भी दोस्तों 720 रुपये ही प्राप्त हुए, ठीक है, कितने तो भी दोस्तों 720 ही प्राप्त हुए, नुकसान कितने का हुआ, 30 रुपये का। तो अपन कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों 30/750 × 100, ठीक है, 0 से 0 कट गया, ये 25 से सॉरी 25 से ही काट लीजिए, ये 25 से दोस्तों 3 बार कट गया, यानी कि 30 बार कट गया, और ये 4 बार कट गया, ठीक है, तो दोस्तों ये 30 से 30 ये कट गया, तो बचा अपने पास में क्या, 4, तो यहाँ पर 4% की दोस्तों हानि हो रही है, यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक वृत्ताकार मैदान के व्यास के दोनों सिरों पर 2 बिजली के खंभे गड़े हैं, एक वृत्ताकार मैदान के व्यास के दोनों सिरों पर 2 बिजली के खंभे गड़े हैं, मैदान की परिधि 220 मीटर हो तो खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करो। एक वृत्ताकार मैदान के व्यास के दोनों सिरों पर 2 बिजली के खंभे गड़े हैं, मैदान की परिधि 220 मीटर हो तो खंभों के बीच की दूरी है वो ज्ञात करनी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैदान की परिधि कितनी दे रखी है, 220 मीटर, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, यानी कि 2 × 22 / 7 × r, ठीक है, अपने को r निकालना है। यहाँ पर बराबर कितनी है दोस्तों, वृत्त की परिधि दे रखी है 220, ठीक है, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों इसको काट पीट लीजिए, राइट आंसर अपने पास आ जाएगा दोस्तों, r कितनी आ जाएगी दोस्तों, r आ जाएगी इसमें 35 मीटर, आर कितनी आ जाएगी, 35 मीटर, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है कि दोनों खंभों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है, तो दोस्तों 2r, ठीक है,
2R, तो यानी कि दोनों कंबो के बीच में तो 2R हो जाएगा, तो 35 दूनी 70 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर दो नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक पेड़ के पात से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से पेड़ की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री मापा गया है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोस्तों सीधा सा है, 10 60 डिग्री का मान है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 10 60 डिग्री का मान है होता है √3। तो दोस्तों यहाँ पे 100 दे रखा है, 100 √3, तो √3 का मान कितना होता है? तो दोस्तों 1. √3 का मान होता है दोस्तों 1.732। तो 100 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट आंसर आ जाएगा इसमें दोस्तों कितना, 173.21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 10 सेमी तथा सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 5 सेमी और 6 सेमी है। दोस्तों चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे, 1/2 इंटू अपना विकर्ण की लंबाई कितनी है, ठीक है, तो वो है दोस्तों 10। तो यहाँ पे 10 इंटू ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए डाले गए लंबों का योग 5 और 6 सेमी है। ठीक है, तो 5 और 6 कितने होते हैं, 11। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों सीधा सा है, 1/2 × 5 × 11 कर लीजिए। इसको भी आप दोस्तों डाले गए लंबों का योग डायरेक्ट ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में करना चाहिए था लेकिन डायरेक्ट कर दिया, लंबों का योग 5 और 6 11 हो जाएगा। काट लीजिए, ये 5 बार कटा तो 11 पंडे 55। ठीक है, तो 55 वर्ग सेमी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 28 सेमी लंबी है, इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या होगा वो बताना है। देखिए वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो दोस्तों भुजा है वो, प्रत्येक भुजा 28 सेमी की है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 14 सेमी है वो दोस्तों, इसमें त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 22/7 × 14 × 14 कर लीजिए। तो ये कटा कितने बार, 2 बार, तो 22 × 2 = 44। 44 × 14 करोगे तो कितना आ जाएगा, 616। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक समलंब चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, यदि इसकी समांतर भुजाएं 45 मीटर और 15 मीटर हो तो समांतर भुजाओं के बीच में दूरी ज्ञात करनी है। दोस्तों वही है अभी मैंने आपको बताया था, दोस्तों जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू मध्य दूरी। ठीक है, ज्यादा अंतर कुछ नहीं है, उसमें समांतर था और इसमें समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें भाई समांतर भुजाएं तो यहाँ पर दे रखी है 45 और 15। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी ये, तो 45 और 15 हो जाएगी 60। ठीक है, इंटू मध्य दूरी है वो अपने को यहाँ पर दे नहीं रखी। ठीक है, मध्य दूरी, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 1/2 × 1/2 दोस्तों समांतर भुजाओं का योग इंटू मध्य दूरी। अब ये जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पर दे रखा है वो दे रखा है 600 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 600 बराबर है 1/2 × 60 × मध्य दूरी, तो अपने को मध्य दूरी है वो ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ये देखिए, 60 से ये कितनी बार कटा दोस्तों, 10 बार कटा, तो 10 × 2 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो यहाँ पे 20 मीटर है वो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हो जाएगी। 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राम और श्याम ने समान धन 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए क्रमशः चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज की दर से उधार लिए गए। यदि राम ने श्याम से 360 रुपए अधिक दिए हो तो उधार लिया गया धन होगा। बताइए, राम और श्याम ने समान धन 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए क्रमशः चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज की दर से उधार दिए, यदि राम ने श्याम से 360 रुपए अधिक दिए हो तो उधार लिया गया धन है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा वो बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार आप कर लीजिए।
राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा दोस्तों, 16,000 आएगा। ठीक है, ऑप्शन उठा के कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे आरेख दिए गए हैं, उन परीक्षार्थियों की संख्या दी गई है जो विभिन्न परीक्षाओं में रासायनिक विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी तथा अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में बैठने वालों की कुल संख्या 600 थी। उन परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है जो कम से कम दो विषय में अनुत्तीर्ण हुए, जो कम से कम दो विषय में अनुत्तीर्ण हुए? देखिए दोस्तों, यहाँ पे 27, 15, 10, 65, 28, 22 और 90 दे रखे हैं। तो देखिए, किन्हीं भी विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की जो संख्या है वो है दोस्तों, देखिए जो कॉमन में है वही होगा। ठीक है, तो कॉमन में दोस्तों यहाँ पर चार दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो 15, एक दोस्तों यहाँ पर 22, एक है दोस्तों 28 और एक है दोस्तों इसमें 10। ठीक है, ये कॉमन में है, इनको आप जोड़ लीजिए। इनको आप जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अपने को प्रतिशत निकालना है, तो 75 बटा कुल संख्या कितनी है, 600। 75 बटा 600 इंटू 100 काट लीजिए, 20 से 20 कट गई, 75 में 6 का भाग दे दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा 12.5%। तो यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, देखिए नौकरी पेशा वाले और शिक्षित वाले दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तो 12 है, ठीक है, और एक 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें शिक्षित का पूछा है, ठीक है, शिक्षित तो दोस्तों 6 भी है लेकिन ग्रामीण का इसमें बोला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 12 और 6 18 हो जाएंगे, तो यहाँ पर तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि प्लस का अर्थ है, दोस्तों देखिए प्लस का अर्थ यहाँ पे दोस्तों माइनस था, किधर गया वो? ठीक है, यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ बराबर हो, बराबर का अर्थ प्लस हो, ठीक है, तो ये सही से टाइप नहीं हुआ, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भाग का निशान आया नहीं, 8 + 4, तो दोस्तों यहाँ पे 8 - 4 होना चाहिए था, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 4 उत्तर आएगा इसमें। ठीक है, प्लस को माइनस कहा गया है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिए गए अनुक्रम को पूरा करना है। देखिए प्रश्न आकृति दोस्तों यहाँ पर दे रखी है, अब यहाँ पर आप दोस्तों इसको देख सकते हैं, आकृति तो सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेज ये है कि जो बिंदु है ये पहले वाली के अंदर दोस्तों इस तरफ है तो दूसरी वाली में इस तरफ चली गई। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अब की बार तीसरे वाले में देखिए ये इधर है, तो अब की बार बिंदु है वो किधर जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये वाले कौन से उसमें है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए एक नंबर में और चार नंबर में भी दोस्तों सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर हो जाएगा, ओहो देखिए दोस्तों इसके कोने भी देखिए, जो इसके कोने आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें प्रश्न आकृति के अंदर, इसमें देखिए दो ही कोने हैं। ठीक है, कोने थोड़ा सा हल्का सा आपको गोल दिखाई दे रहा होगा कोना, और इसमें पहले नंबर वाले ऑप्शन में देखिए तीन गोले हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, और इसमें देखिए दो ही है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या क्या है? ऑप्शन के अनुसार आप ज्ञात कर लीजिए, मुर्गियों की संख्या ऑप्शन में उठा लीजिए। ठीक है, सीधा सा आपके पास में राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जैसे 26 है तो 26 मुर्गियां हैं। ठीक है, ऑप्शन उठा लिया मैंने, 26 मुर्गियां है। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 48, तो जैसे कि उनके सिरों की संख्या 48, तो यानी कि 26 अगर मुर्गियों के सिर हैं तो अपने पास कितने बचे, 48 में से 26 गए तो दोस्तों 22 बचे। ठीक है, 22 किसके हैं, गाय के सिर, ठीक है, और ये मुर्गी के, ऑप्शन उठा के करोगे ज्यादा बेटर रहेगा इसमें। पैरों की संख्या 140 है, तो भाई 140 है तो मुर्गी के तो दो पैर होते हैं, तो मुर्गी के तो हो गए दोस्तों 52 पैर और गाय के हो गए दोस्तों 88, तो 52 और 88 को जोड़ लीजिए, 140 हो रहा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 52 और 88 कितना होता है, 140 ही होता है, तो यहाँ पर इसमें 26 है वो इसमें बिल्कुल सही है, तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, यदि ए का अर्थ जोड़ना, बी का अर्थ घटाना, सी का अर्थ गुणा करना, डी का अर्थ भाग देना है, तो दी गई समीकरण का मान है वो अपने को ज्ञात करना है। 18, सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ गुणा करना है 18 × 14। ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ जोड़ना +6। बी का अर्थ क्या है, घटाना 16। डी का अर्थ क्या है, भाग देना। ठीक है, सबसे पहले क्या देंगे, भाग देंगे। 16 में 4 का भाग दिया तो कितना बचा दोस्तों, 4 बचा। अब उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 18 × 14 कितने होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 252। तो इनको भी काट दीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 252 +6 − 4। ठीक है, तो 252 और 6 कितने होते हैं दोस्तों, 258, और 258 में से 4 गए तो कितने बचे 254। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, 2400 यानी कि 2400 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें कैप्टन और सैनिक मौजूद है। ट्रेन किसी में सॉरी यानी कि 2400 व्यक्तियों का एक समूह है किसी ट्रेन में ये यात्रा कर रहे हैं जिसमें कैप्टन और सैनिक मौजूद है। इस समूह में प्रत्येक 15 सैनिक के साथ एक कैप्टन शामिल है, 15 सैनिकों के साथ में एक कैप्टन शामिल है, तो बताइए इस समूह में कुल कितने कैप्टन मौजूद हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, 15 सैनिक प्लस एक एक कैप्टन तो कितने हो गए 16। ठीक है, 16 हो गए, तो दोस्तों सीधा सा है, आप 2400 में 16 का भाग दे दीजिए, 2400 में 16 का भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए 8 से ये 2 बार कटा, ठीक है, 8 से ये 2 बार कटा, और ये 24 से 3 बार, तो यहाँ पर ये 300। ठीक है, 300 में आप 2 का भाग दे लीजिए, कितना आएगा 150, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 150 कैप्टन मौजूद हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे 142 नंबर प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाएं तो दाएं से 20वें अक्षर एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, दाएं से 20वां अक्षर कौन सा होता है, टी, ठीक है, और बाएं से 21वां अक्षर कौन सा होता है, तो वो होता है एफ। ठीक है, तो टी और एफ के मध्य कुल 13 अक्षर होते हैं दोस्तों, कितने 13 अक्षर होते हैं। तो दोस्तों सीधा सा है भाई, 13 + 1/2 कर लीजिए, राइट आंसर आपके पास में निकल कर आ जाएगा, 7वां अक्षर, 7वां अक्षर दोस्तों इसमें एम हो जाएगा, तो यहाँ पर दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 1, 8, 27, 64, 125, आगे क्या, सभी को पता है कि ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब और ये 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, तो दोस्तों 216। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन वैसाई है जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, तो दोस्तों ये तीनों ग्रह हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी भी क्या है, ग्रह है, यहाँ पर दो नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से 3 शब्द एक जैसे हैं और अपना समूह निर्माण करते हैं, इन तीनों से भिन्न कौन सा है, इन तीनों से भिन्न कौन सा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जड़, तना एवं पत्ती से मिलकर दोस्तों पेड़ का निर्माण होता है, जड़, तना और पत्ती से मिलकर दोस्तों पेड़ का निर्माण होता है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 146 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में सॉरी निम्नलिखित संख्या की श्रृंखला में कितने 2 हैं जिनके ठीक पहले 8 है, यानी कि 8, 2, 82 कहाँ कहाँ पर है दोस्तों, 8, 2, देखिए ये 82 है, ये भी 82 है, और देखिए 82 कहाँ है, तो ये रहे 82, लेकिन ठीक बाद 9 नहीं है, तो ठीक बाद है वो 9 नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 7 है, इसमें 9 है, और इसमें देखिए इसमें 1 है, तो 2 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें जिनके ठीक बाद में 9 नहीं है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर क्या आएगा वो बताना है, तो दोस्तों वही ये प्रश्न रिपीट हुआ है, 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, 216। आगे देखिए, पवन की घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदु किंत निशान अंकित किए गए हैं, यदि किसी दर्पण के सामने रखने पर उसे उसकी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब के रूप में 4:16 प्रतीत हो रहा है, तो बताइए कि उसकी घड़ी में उस समय वास्तव में कितने बज रहे थे। तो
तो दोस्तों उस समय वास्तव में कितने बज रहे थे, यहाँ पे प्रतिबिंब दे रखा है दोस्तों 4:16। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पे वास्तविक समय है वो कितना हो जाएगा, देखिए भाई 12 बजे में से आप है वो दोस्तों -4.16 है वो घटा देंगे, ठीक है, तो कितना बचा, तो दोस्तों ये बचा 7:44 बचा, ठीक है, 7:44 बचा, तो यही अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि वैभव और यशु की वर्तमान आयु क्रमशः 30 वर्ष और 21 वर्ष है, तब वैभव की 6 वर्ष पूर्व है और यशु की 5 वर्ष बाद, आयु अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आयु अनुपात ज्ञात करना है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है वैभव की आयु बटे यशु की आयु, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 30 -6/21+5, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 24/26, यानी कि अनुपात हो जाएगा 12:13। यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 150 नंबर प्रश्न है, यदि x का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ इंटू हो, तो 16 × 5 / 5+5 क्या होगा दोस्तों, चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पर 16 × का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटू का अर्थ माइनस, तो 16 - 5 ब्रैकेट, भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ प्लस है, +5, और प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस का अर्थ × 5, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन क्या करेंगे भाई, सबसे पहले है वो अपन ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 16 में से 5 गए तो कितना बचा 11, ठीक है, तो 11 और फिर 5 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, तो 11 और 25 कितने होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 36, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर 14 है वो कंप्लीट करवा दिया है, अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद जय भारत।